की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एडवांस अकाउंटिंग की इस क्लास में हम देख रहे हैं चैप्टर वन, जिसका नाम है स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री, जहां हमने परचेज की एंट्री करी। और आज क्या करेंगे, सेल्स भी करे थे, सेल्स भी हो गया था ना, अब वो चीजें रिसीव कर लेंगे, पैसे उनसे प्राप्त करेंगे। लास्ट ट्रांजेक्शन शोभा का दिखा रहा है, ठीक है। वह कंपनी ओपन कर लीजिए, RDF3 सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डी ड्राइव, ADV एडीवी एडीवी, ठीक है। एक बार डे बुक चेक कर लीजिएगा, लास्ट क्या हुआ है हमारा। डेट Alt F2 दबा के 31/3/24 कितने ट्रांजेक्शन हुए ना अभी तक, सिंस ये लास्ट हुआ है। देखिए 44,600 का, आप देख भी सकते हैं ये लास्ट ट्रांजेक्शन ऊपर वाला हुआ है 44,600 का, है ना। और यानी कि आज हमें पढ़ना है वाउचर रिसिप्ट से, क्या पढ़ना है वाउचर रिसिप्ट से, उसके बाद आइडेंटिफाई करना है एक्सपायर्ड वाला। बहुत मजेदार टॉपिक है आज की, मजा आने वाला है। तो क्वेश्चन रिसिप्ट का है कि 44,600 रुपया प्राप्त हुए हैं, रिसीव हुए हैं। प्रॉम का मतलब होता है देने वाला, देने वाला कौन है, तो और देने वाला अमीर है गरीब है, अमीर है प्लस की माइनस, प्लस प्लस का मतलब क्रेडिट, यानी शोभा क्रेडिट हो जाएगा। और हमको क्या दे रही है, कैश की चेक, लिखा हुआ सी एस ए लिखा हुआ कैश, यानी शोभा क्रेडिट और कैश का हो जाएगा डेबिट का। तो इसके पीछे आइए, वाउचर में आ जाइए, और ये F6 से रिसीप्ट वाउचर में देने वाला कौन है, शोभा। इंटर अगेंस्ट डिफरेंस, कभी भी रेफरेंस नंबर से आना चाहिए। कुछ लोगों में रेफरेंस नंबर नहीं आएगा, क्या बताए थे ना, ये पोल लगा लीजिएगा, हुआ है बात नहीं हुआ का ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं इंटर कर रहा हूँ तो ये आप सुना रहा है ना रेफरेंस वाला, अगर कई लोगों में नहीं आएगा, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या दबाएंगे F12। और यही एक ऑप्शन देता है प्री एलोकेट बिल पेमेंट रिसीप्ट जनरल, ये कई बार नो रहता है, क्या रहता है नो रहता है। नो रहने की वजह से अब हम जब इंटर करेंगे डायरेक्टली अमाउंट पे चले आ रहे हैं, वो अपना रहा है अगेंस्ट डिफरेंस वाला नहीं आ रहा, देखिए यहाँ आ जा रहा है, तो नहीं आ रहा है तो क्या दबाएंगे F12। और इसी बार बिल पेमेंट रिसीप्ट वाले को क्या कर लेंगे, यस करेंगे। यस करने से फायदा क्या होगा, अब इंटर करेंगे देखिए ये ऑप्शन आने लगा, यानी किस रेफरेंस से पेमेंट कर रिसीव कर रहे हैं, यही 44,600 वाला। इंटर 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 प्लीज, और डेबिट हो जाएगा आपका कैश। और इंटर इंटर करके क्या कर लेंगे, समझा की बात, यानी रिसिप्ट हो चुका है। चलिए अगला दिया हुआ है, अगला पॉइंट जो है उसका नाम है आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाइंग ऑफ एक्सपायर्ड बैच इन सेल्स इनवॉइस, यानी हम पहचान करेंगे बेचते समय कौन सी चीजें एक्सपायर हो गई है, उसके बाद क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी चीजें एक्सपायर्ड हो गई हैं, उनके बारे में आइडेंटिफाई करें। कहा इन दिस सेक्शन वी विल ट्राई टू रिकॉर्ड सेल्स ट्रांजेक्शन, यानी कि इस क्लास में आज हम क्या करेंगे, हम सेल्स ट्रांजेक्शन पास करेंगे विथ एक्सपायर्ड बैचेस, किसके द्वारा, एक्सपायर्ड बैचेस के द्वारा, और रेक्टिफाई इट सिलेक्टिंग करेक्ट बैच, और क्या करेंगे बाद में अगर नहीं भी हो पाएगा तो हम सही बैच तक पहुंच जाएंगे रेक्टिफाई करके, ठीक है। जैसे कुछ चीजें एक्सपायर, अगर मान लो हमसे कोई चीज आप परचेज के लिए बोले, सामान खरीदने आए हैं, तो मेरे पास दो बंडल है, एक में अच्छी चीजें एक में खराब है, तो मैंने चेक किया कि वो चीजें खराब हुई हैं, तभी नहीं मैं आपको वापस कर दूंगा, नहीं कोई बात नहीं, सेम चीजें वही दूसरे बॉक्स में, जो चीजें सही है मैं उस बॉक्स से आपको दे दूंगा। तो वही बात बैच की बात है कि अगर बैच 001 वाला एक्सपायर हो गया है तो मैं बैच 003 से दे दूंगा, अगर सेम आइटम वही है तो, समझ में आया बात बात क्या करना चाहता हूँ। तो वही बात यहाँ पे है, कहा है कि सर्फ एक्सल बेचना है 50 पीस, लेकिन आप बेच नहीं पाएंगे, तो एक काम करिएगा सुपर मार्ट रिटेलर से बेचना है आपको, किसको बेचना है सुपर मार्ट रिटेलर को, और 50 पीस बैच 001 को, तो एक काम करिएगा स्क्रिप्ट से पीछे आइएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, डे बुक में आ जाइएगा, पहली पार्टी जिसे आप खरीदे थे उसका नाम था HUL मैनेजर, अगर याद होगा तो, इंटर करिएगा। और इससे पहला आइटम था सर्फ एक्सल मैटिक फ्रंट लोड पावर, इसका एक्सपायरी डेट आप 1 अक्टूबर डाले थे, याद आ रहा है, इस 1 अक्टूबर को बस 1 मई कर लीजिएगा, और कुछ नहीं करना, क्या कर लीजिएगा 1 अक्टूबर को बस 1 मई कर लीजिएगा, देखिए बस कुछ नहीं करना है, इंटर इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिएगा, और कुछ मत करिएगा। फिर एक आइटम, किस आइटम को, सर्फ एक्सल फ्रंट लोड पाउडर, सर्फ एक्सल टॉप पे कुछ काम ही नहीं किया, देखो टॉप को मैंने टच ही नहीं किया, बस एक्सेप्ट कर लीजिए, मैंने एक्सपायरी डेट चेंज कर लिया, समझ में आगे बात ना। वही सेम आइटम इसमें भी है HUL मैन्युफैक्चर में, देखो यहाँ पे सर्फ एक्सल फ्रंट लोड है, लेकिन यहाँ इसका बैच 003 है, और हमने किसको एक्सपायर किया है 001 को, 1 अक्टूबर से हटा के क्या कर दिया है 1 मई कर दिया, समझ में आ रही बात क्या करना है। सिर्फ एक काम आज की क्लास में आपको करना है कि जो पहला HUL मैन्युफैक्चरर जिससे हमने खरीदा था, पहला परचेज किया था, उसमें पहला आइटम था जो बैच 001 थे, उसके एक्सपायरी डेट को मैंने 1 अक्टूबर से हटा के क्या कर दिया 1 मई, इसलिए किया है ताकि मैं 2 मई को बेच के दिखाऊंगा कि हम बेच नहीं पा रहे, कारण क्या है कि वो चीजें एक्सपायर हो चुकी है, कंट्रोल एस एक्सेप्ट कर लीजिए, बस कहानी खत्म।
अब ट्रांजेक्शन करिएगा। चलिए वाउचर में आ गए या फिर से सेल्स वाउचर में आ गए, क्वेश्चन के मुताबिक कहा है कि चलिए एक सेल्स में एंट्री पास करिए, क्या करिए सेल्स की एंट्री पास करिए और डेट चेंज कर लीजिए, 2 मई कर लीजिए, 2 मई लिखा हुआ है ना सामने देखिए, 2 मई लिखा हुआ है, 2 मई हम भी ले लेंगे, पार्टी का नाम सुपर मार्केट डिटेल, चलिए यहाँ हमने ले लिया से डेट चेंज 2/5 और पार्टी का नाम सुपर मार्केट डिटेल, एंटर करें, एंटर एंटर किए और यहाँ पे सेल्स से का आइटम का नाम क्या है, सर्फ एक्सेल मैटिक फ्रंट रोड पाउडर, एंटर किया 20 था ना, एंटर किया, गोडाउन क्या हो गया पटोना में कितना दिखा रहा है 300 kg दिखा रहा है ना, एंटर किया और यहाँ देखिए तो बैच 001 दिखा रहा है, क्यों नहीं दिखा रहा है? अगर वही मैं अगर यहाँ पे डेट चेंज कर दे रहा हूँ 1 मई ले रहा हूँ, देखिए तो अब दिखने लगा, क्योंकि 1 मई को एक्सपायर होगा ना, तो आज एक्सपायर होने वाला, तो आज तो हम बेच ही सकते हैं, कल से दिन बेच पाएंगे, हम जान रहे कि ये चीज कल एक्सपायर हो जाएगा, जैसे मेरे पास कुछ मिठाइयां हैं मैं जान रहा हूँ कल एक्सपायर हो जाएंगे, तो मैं आज ही खिला दूंगा आपको, खाइए दवा, समझ रहे हैं वही बात है यहाँ पे कि कंज्यूम कर ले भाई, सीधी सी बात, हम किसी चीज को कंज्यूम कर लेकर एक्सपायर हो जाएगा, उसे आज ही कंज्यूम कर ले, अच्छा एक्सपायर होना जरूरी नहीं है इसका कोई साइड इफेक्ट ही आएगा, ऐसा एज्यूम किया जाता है कि भैया नुकसान कर सकता है, हम ही नहीं कि एक्सपायर दवा पी ली तो मर जाएंगे तुरंत ऑन द स्पॉट, नहीं हो भी सकता है मर भी सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है वो, तो बस पॉसिबिलिटी दी गई है भैया अगर आप रिएक्टिव चीजें या एक्सपायर चीजें खाएंगे तो उसका साइड इफेक्ट हो सकता है, उसकी जिम्मेदारी आपकी भी और आपकी क्या, जिसने बेचा होगा उसकी भी होगी, समझ रहे ना, उठवा लिए जाएंगे वो भी, ये है कॉन्सेप्ट इसका, इसलिए तो इस ऑप्शन दिया हुआ है ताकि बिना आपके इनेबल की ये चीज बेच नहीं सकता। अच्छा एक चीज और मैं दिखाना चाहूंगा, जैसे 2 मई को वापस मैं 2 मई कर दे रहा हूँ, देखिएगा अब इंटर कर रहे हैं, अब आ रहा है ऑप्शन 001 नहीं आ रहा है, लेकिन वही अगर मैं एक ऑप्शन दिया हुआ है, मैं बताया था ये फ्यूल दबा दे और यही एक ऑप्शन दिया हुआ है यूज एक्सपायर बैच स्टार्ट करते हम इसको यस कर दें, तो अब 2 तारीख को भी बेचेंगे तभी भी 001 01 वाला दिखा रहा है, देखो क्यों दिखा रहा है, क्योंकि आपने ऑप्शन इनेबल किया, नहीं तो दिखाना नहीं चाहिए, ठीक है सही बात है नहीं दिखाना चाहिए, तो हम ये ट्वेल्व दबा के इसको वापस से क्या कर दे रहे हैं, नो कर दे रहे हैं, क्योंकि इसको छेड़खानी करना नहीं है, ये तो बस समझने के लिए आपको समझा रहा हूँ, कंट्रोल ए सक्सेसफुली, तो ओवरऑल ये कहना चाहता हूँ कि 2 मई को हम ट्रांजेक्शन पास कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, तो बैच 001 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि वो एक्सपायर, तो क्वेश्चन में ये कहा गया है, एक लाइन कही गई है कि डेट चेंज करिएगा, ट्रांजेक्शन करिएगा और यूज एक्सपायर बैच को क्या रखिएगा, नो ही रखिएगा, ये अब्दुल दवा के जो मैं किया हूँ उसको नो ही रखिएगा, उसको छेड़खानी मत करिएगा, कहा है इस आइटम को लीजिएगा और आइटम को लेने के बाद आप क्या विजन करेंगे कि यहाँ पे सिर्फ 003 ही आएगा, 001 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, हम लोग विषय में ही कॉन्सेप्ट है, देखिए 003 आ रहा है 001 नहीं आ रहा है, ओनली बिकॉज ऑफ दैट कि ये चीजें क्या हो गई एक्सपायर हो चुकी है, चलिए प्लीज बदल लीजिए आप लोग, अच्छा ऑब्जर्वेशन में क्या कहा है तो सुनिएगा, एक लाइन कहा है ऑब्जर्वेशन में, ऑब्जर्वेशन में क्या कहा है, बहुत नीचे चला जा रहा है, ऊपर चला जा रहा है, कहा है ऑब्जर्व दैट यू आर गेटिंग द डिटेल बैच 001 आर नॉट गेटिंग, नॉट गेटिंग मतलब नहीं मिल रहा है, आप आपने क्या महसूस किया कि यहाँ बैच 001 का डिटेल नहीं मिल रहा है, क्यों, बिकॉज द एक्सपायर्ड, क्योंकि ये क्या हो चुका है एक्सपायर्ड हो चुका है, आल्सो वी हैव कॉन्फिगर यूज एक्सपायर्ड बैच, और हम क्या करेंगे ऑलरेडी हमने कॉन्फिगर भी कर रखा है किसको, एक्सपायर्ड बैच आइटम को नो कर रखा है हम लोग, कॉन्फिगर किए हैं ना, ठीक है, कह रहे हेंस वी आर नॉट गेटिंग द एक्सपायर बैच डिटेल, और यही कारण है कि हम एक्सपायर्ड बैचेस डिटेल को नहीं देख पा रहे हैं, इवन वो हमारे कहाँ है लिस्ट ऑफ एक्टिव बैचेस, यानी वो हमारे बैचेस में है, क्वांटिटी पड़ी हुई है 300 है, 300 kg बचा हुआ है ना अभी, लेकिन फिर भी नहीं बेच पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो चीजें एक्सपायर्ड हो चुकी है, एक्सपायर्ड हो चुकी तो क्या कस्टमर को बेच भी नहीं करेंगे, किसी ना किसी बैच को हैंडल करना पड़ेगा ना, तो ये क्वेश्चन में एक 003 क्यों आ रहा है बताइए, 003 इसीलिए आ रहा है कि 001 एक्सपायर हो चुका है, तो वही सेम आइटम किसमें रखा गया है 003 में भी रखा गया, और ये कब एक्सपायर होगा, मतलब तब तक इसमें बेच सकते हैं, समझ रहे हैं बात को, ठीक है, तो कहा है एक लाइन लिखेगा अभी देखिए क्या कहेगा, कि आप बैच समरी चेक कर लीजिएगा, चेक करना होगा तो, चलिए छोड़िए ये सब छोड़िए, और कहा है यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है कि आपने ऑब्जर्व किया है कि 01 एक्सपायर हो चुका है 2 मई को जब ट्रांजेक्शन कर रहे थे, और 001 नहीं दिख रहा था, नॉट अपियरिंग, अपियरिंग मतलब दिख ही नहीं रहा था, तो अब क्या करेंगे, बाई वी कैन सेल ओनली द प्रोडक्ट विच आर नॉट एक्सपायर्ड, यानी कि अब हम ये तो समझ गए हैं कि हम वही सामान बेच पाएंगे जो एक्सपायर नहीं हुआ है, ये तो हम समझ गए ना, जो चीज एक्सपायर होगा नहीं बेच पाएंगे, जो एक्सपायर नहीं हुई है उन्हीं को अब हम बेच पाएंगे, तो कहा है इसके लिए आप पीछे जाइएगा और
जहां आपको 001 सिलेक्ट करना था वहां क्या सिलेक्ट कर लीजिएगा, 003 सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए लेते हैं 003। कितनी क्वांटिटी सिलेक्ट करनी है, ऊपर क्वेश्चन दिया था 50 था क्या? हाँ पेज बनना पड़ा टी पीछे 50 था ना। रेट बताइए उदय, रेट बताइए इसका 250। देखिए सामने देखिए अब 250 के हिसाब से बस इंटर किए, इंटर किए और क्या कर लिए 03 करके, 03 करके मैंने क्या कर लिया हो गया। तो दिक्कत ट्रांजिशन खत्म हुआ। चलिए उसके बाद कहा है थोड़ा नीचे कर लीजिएगा ये ट्रांजिशन, देखो यहाँ स्क्रीनशॉट लगाया गया है। कहा है ऑब्जर्वेशन में, फिर से ऑब्जर्वेशन कहा है, कहा है ऑब्जर्व दैट आवर ट्रांजिशन वाज नॉट इंटरप्टेड, हमारा ट्रांजिशन नहीं हो पा रहा था, उसमें बाधा आ रही थी क्या कि 001 नॉट डिस्प्ले, क्योंकि 01 ने क्यों क्या हो रहा था नहीं दिख रहा था, क्यों? बिकॉज इट वाज एक्सपायर, क्योंकि वो क्या हो गया था एक्सपायर्ड हो गया था, इसीलिए हमने यूज बैच 003, इसीलिए हमने बैच 003 से सक्सेसफुली क्या कर लिया उस ऑर्डर को कंप्लीट कर लिया, क्योंकि बैच 001 जो मुताबिक दिया गया था वो एक्सपायर हो चुका था। ठीक है बात क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन फिर से रिसिप्ट का है कि 2 मई को आपको 2,15,000 का रिसीव हुआ है किससे, सुपर मार्केट रिटेलर से। अब चाहे एक बिल हो चाहे 2 बिल हो, लेकिन इसमें दिखाया है 2 बिल से, एक बिल नंबर 1 है जिसमें 2,02,500 का है और एक 12,500 का है। चलिए देखिए ध्यान से, अब यहाँ बाउचर चेंज करेंगे, अब 6 रिसिप्ट, देने वाला कौन है, रिसीव हो रहा है ना, देने वाला कौन है, सुपर मार्केट रिटेलर। इंटर अगेंस्ट डिफरेंस, कितने बिल उठाने के लिए कहा है, एक कहा है 01 और 03 उठाने के लिए कहा है, एक कहा है कि 2,02,500 का बिल है, 12,500, देखिए कूपन में लिखा हुआ है। तो पहला बिल उठाएंगे इंडा प्लेस, यहाँ पे अगेंस्ट डिफरेंस करके दूसरा बिल भी उठा लेंगे और लास्ट में क्या कर देंगे इंडा प्लेस, जब बिल खत्म हो जाता है तो क्या लेते हैं इंडा प्लेस, इंटर कर देंगे और डेबिट कौन होगा, किस मोड में आ रहा है, कैश की खाता में, कैश आ रहा है, कैश ले लीजिए, कैश हो गया। आसान है कि नहीं आसान है, हो जाएगा ठीक है। अच्छा बताइए कितना पीस गड़बड़ हुआ है हम लोग का, 50 पीस एक्सपायर हो गया ना हम लोग का, कौन सा वाला सर्फ एक्सल, 50 पीस एक्सपायर हो गया ना, नहीं बेच पाए बैच 001 के मुताबिक 500 था, 450 तो पहले भी दिए थे, 50 रह गया तो एक्सपायर हो गया, तो एक्सपायर हो गया तो करेंगे भैया अपने सप्लाई को वापस करेंगे, एक बात नहीं अगर सप्लाई को वापस करेंगे खरीदा हुआ सामान तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सपायर नहीं बोलेंगे, पर्चेज रिटर्न बोलेंगे। अगर हम खरीदा हुआ सामान वापस कर रहे हैं तो परचेज किया हुआ सामान वापस नहीं, पर्ची रिटर्न, बेचा हुआ सामान आ रहा है तो सेल्स रिटर्न, क्योंकि हाँ हम अपने सप्लायर को वापस कर रहे हैं, लेकिन अपने सप्लायर को आप क्यों वापस कर रहे हैं, क्योंकि आप उससे खरीदे थे इसलिए आप उसको वापस कर रहे हैं, तो यानी इसको क्या बोलेंगे पर्ची रिटर्न बोलेंगे। अब पर्ची रिटर्न के लिए क्या इशू करते हैं डेबिट टू वाउचर और सेल्स रिटर्न के लिए क्रेडिट टू वाउचर, यहाँ पर्ची रिटर्न की बात आ रही है ना, तो क्या इशू होगा डेबिट टू इशू, अच्छा डेबिट टू इशू करेंगे भी तो उसमें भी जब वापस भेजेंगे 50 पीस तो नहीं दिखेगा, क्योंकि क्वांटिटी तो रिसीव नहीं किया करेगा, क्यों, क्योंकि वो एक्सपायर हो चुका है, कैसे वापस करेंगे, तो यही ऑप्शन जो हमने कहा हो ये 12 दबा के तो इनेबल करके उसको वापस करने के बाद फिर उसको डिस्टर्ब कर देगा, समझ आ गया बात ना क्या कह रहा, तो कहां जाएंगे हम डेबिट नोट वाउचर में, और डेबिट नोट वाउचर की शॉर्टकट की क्या होती है, बोलो बोलो सही है, अल्ट प्लस F5। हाँ अल्ट प्लस, दो अलग अलग बोलोगे, एक अल्ट एक F5, एक तो यहाँ क्या दबा देंगे अल्ट F5 दबा देंगे, क्या खुल गया डेबिट, अच्छा जिससे खरीदे उसी को वापस करेंगे, तो आप किससे खरीदे थे HUL, इंटर कर देंगे, अच्छा डेबिट और नोट बहुत गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, ये उसका मोड चेंज करिए आइटम इनवॉइस मोड को ना, ठीक है पार्टी का नाम क्या है HUL मैन्युफैक्चरर, इंटर इंटर, ओरिजिनल ट्रैकिंग नंबर मांग रहा होगा, तो यहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर दिया है, इनवॉइस नंबर वहाँ पे क्वेश्चन में दिया है इनवॉइस नंबर 01, ये रहा 01 है, क्या है इनवॉइस नंबर 01, ले ले 01, इंटर इंटर, 2 मई को वापस कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से सामने देखिए, सामने देखिए यहाँ लेजर अकाउंट में, तो परचेज करते हैं तो यहाँ परचेज अकाउंट लेते हैं, सेल्स करते हैं सेल्स अकाउंट लेते हैं, लेकिन इस टाइम हम कर क्या रहे हैं रिटर्न कर रहे हैं, परचेज रिटर्न कर रहे हैं ना, तो यहाँ अल्ट सी करके क्या बनाएंगे एक लेजर बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा परचेज रिटर्न, और इसका अंडर ग्रुप क्या होगा है, तो परचेज चाहे परचेज रिटर्न हो परचेज लोकल हो परचेज इंटरस्टेट हो सबका परचेज अकाउंट परचेज, इंटर इंटर करके इंटर, और आइटम का नाम क्या है सैमसंग सॉरी सर्फ एक्सल है, सर्फ एक्सल फ्रंट ग्रुप, देखो क्वांटिटी दिखा रहा है 250 तो है
250 नहीं, लेकिन बैच नंबर से ना गोडाउन को चलेंगे, पढ़ो ना सामने, देखिए सामने आपको, आपको नीचे में देखिए, जैसे इंटर कर रहे हैं कितना बैच दिख रहा है, एक ही 003, और क्वेश्चन में क्या कहा गया किस बैच से वापस किया जा रहा है, तो 001 दिख ही नहीं रहा है तो वापस कहाँ से करेंगे। तो ऐसे ही कंडीशन में एक बार बैकेज पे दबाइएगा, और क्या दबाएंगे यहाँ पे F12, किसको यस कर लेंगे, यूज एक्सपायर्ड बैच को क्या कर लेंगे, क्यों यस कर रहे हैं, ताकि एक्सपायर चीजें हमें दिखे, तभी तो हम सब किसी को वापस कर पाएंगे, तो यस कर लिया, कंट्रोल यस एक्सेप्ट कर लिया और इंटर करेंगे। अब पटन ऑफ करिए, देखो 001 दिखने लगा, और 001 में कितनी क्वांटिटी बची हुई है जो एक्सपायर हुई, सिर्फ 85, और इस क्वेश्चन में रिटर्न करने की बात कितनी की गई है, 50 क्वांटिटी, बराबर है ना, इक्वल चल रहा है ना, बस यही 50 पीस उठाइए बिल नंबर 1 बैच 001 से, 50 किस रेट से, जिस रेट से खरीदे थे उसी रेट से, सामने देखिए, इंटर 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 करके क्या करेंगे, अरे यार गड़बड़ हो गया, ठीक है सही जा रहा है, यहाँ अगेंस्ट डिफरेंस में देखिएगा, यहाँ दो बिल दिखा रहा है, जैसे कैसे दो बार कर रहे हैं, तो वहां 0 ऑन लिए हैं हम लोग, वो ईएमआई पर यहाँ मैच करा पाए, देखिएगा इधर और मत क्लिक कर दीजिएगा गलती से, समझ आ रही बात ना। दवाई चलती रहती है क्या ही कर, तो 01 ही लेना है, इंटर करेंगे इंटर करेंगे इंटर इंटर करके क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और एक काम फिर से ध्यान कर, क्या जिस ऑप्शन को इनेबल किए थे फिर उसको बंद करिएगा, वरना भूल जाएंगे तो हो सकता है आपसे गलती हो सकती है, कि कभी कभी एक्सपायर चीज भी आप भेज दें किसी को, ध्यान ना रहे, है ना, बिजनेसमैन है, दिमाग लगा के काम करना है, ठीक है, एक्सपायर बैच आइटम को फिर से वापस से क्या कर देंगे, नो करके, और कंट्रोल ए से क्या करेंगे, बस ये करना है आपके, कर लेंगे इतना ना, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा क्लास, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो बस बाकी अगले क्लास में देखो, यहाँ पर अभी मत सोचिएगा लाइन आप छोड़ देते हैं बताते नहीं है, तो सब बात बता रहा हूँ, इस लाइन में क्या लिख लीजिए कि बैच 00 एक्सपायर हो चुका है, उसमें 50 क्वांटिटी एक्सपायर हो गई है, लेकिन दिखेगा नहीं, सारा दिखाया है कि 10 बिल नंबर 1 से 10,000 कर लेना है, सब मैं बता भी दिया ऊपर की बैच 00 नहीं दिख रहा था, क्या करना है, समझ गए ना, ये लाइन वही है, ये दिमाग में रखिएगा, वरना पेपर के भी सुना दूंगा, है वही जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, पढ़ के भी वही चीज ट्रांसलेट करूंगा, वो भी वैसे ही, ठीक है, परेशान नहीं हो रही, बस आपको थोड़ा सा डराने के लिए दिया गया, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, बाकी आज के लिए थैंक यू क्लास, और वन इन्फॉर्मेशन फॉर यू, योर क्लास रिमेन क्लोज ऑन 15 जनवरी ऑन द ओकेजन ऑफ द फेस्टिवल मकर संक्रांति, एंड रीओपन ऑन 16 जनवरी एट यूजुअल टाइम, आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है, मजे में करिए, और फिर 16 तारीख को यानी कि मंगलवार को हम मिलेंगे, ठीक है, थैंक यू क्लास।